चैनल तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। आज है यहाँ पे ईद का दूसरा दिन, तो दुनिया के हर मुल्क में जो है कुर्बानी हो चुकी होगी, सो अल्लाह ताला आप सभी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और कल मैंने इसलिए इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज हमारा पेपर था, सोचे जरा ईद के दिन में पेपर रख दिया क्या कह सकता है बंदा इनको। बट कल यहाँ पे जो नमाज है ना ईद की, वो सब पार्क में हुई थी। अगर लास्ट टाइम मेरी ईद उल फितर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें क्या हुआ था ना, तीन राउंड में नमाज हुई थी मस्जिद में, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से डिस्टेंस रखना पड़ता है और दूसरा मस्जिद भी इतनी बड़ी नहीं है ना। तो इस दफ़ा उन्होंने पार्क में नमाज की, एक ही राउंड में सारा सब लोग पूरे आ गए थे माशाल्लाह। और मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए, वो जरा जाके देख के आए। और एक और खुशखबरी की बात कि हमें वैक्सीन की सेकंड डोज भी लग चुकी है और बहुत बुरी हालत थी सेकंड डोज के बाद। मुझे 103 टेम्परेचर हो गया था फर्स्ट डोज के बाद, कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि लेकिन मैं डॉक्टर से भी पूछा, वो कहती थी फर्स्ट डोज के बाद आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप यंग हो, लेकिन सेकंड डोज के बाद आपको फीवर, हाई फीवर हो सकता है, और वही हुआ। लेकिन आप जस्ट पैनाडोल वगैरह खा लो, आप ठीक हो जाओगे। सो आपने भी ये मेक श्योर करना है जब भी आप वैक्सीन लगा रहे हो सेकंड डे, ना तो आपका पेपर हो कोई और ना कोई जॉब हो, नहीं तो आपको मुश्किल का सामना पेश करना पड़ेगा। और कुछ लोगों को नहीं होता, जैसे मुझे हुआ था फर्स्ट डाउन, कुछ भी नहीं हुआ, उसकी भी मेरे साथ बिल्कुल वैक्सीन लगी थी, पर शायद उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। सो ये अब लक है कि किसको होता है किसी को नहीं। और लेकिन यार बहुत खुशी हो रही है कि अब हम यूरोप की किसी भी स्थिति में जा सकते हैं बिना किसी टेस्ट के। लेकिन हाँ, पाकिस्तान भी जा सकते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जाने के लिए टेस्ट करवाना पड़ता है, और कुछ कहते हैं नहीं करवाना पड़ता, बट वो आप अपनी एयरलाइन से फ़ोन करके कन्फर्म कर सकते हैं। सो ईद है तो फोटो सेशन तो बनता है ना। तो गाइस बड़ी ईद का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, छोटी ईद का तो फिर भी होता है ना, रोजे रखते हैं तो बंदा पता चलता है कि हाँ ईद है ये, पर जो लोग नहीं रखते हाँ उनको तो फिर छोटी ईद का भी पता नहीं चलता होगा ऑब्वियसली। कौन लोग हैं? कुछ लोग नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो लोग नहीं रखते वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो ये है, और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं और कुछ गेस्ट ने भी आ जाना है। ये देखें ऐसे गुजरी ईद, पहले पेपर हुआ, अब शॉपिंग पे जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए। और लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी देखें आगे के क्या क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। हमारा अपना कॉफ्रेंड किसी के साथ ये होता है कि जो चीज़ लेने बंदा आता है ना उसको लेने के बजाय बाकी सब कुछ ले जाता है, सिर्फ वही चीज़ रह जाती है। एक वक्त आया था लॉकडाउन का, ये टिशू का रैक फुल खाली हो गया था, और अब देखें। तो गाइस आप लोगों को एक बात का नहीं पता होगा कि जर्मनी की एक स्टेट है पूरी जिसमें सैलाब आ गया है, और हम लोग कहते हैं ना बाहर के मुल्क में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन बेशक जितनी भी मेंटेनेंस हो जाए ना, जब कुछ आना होता है ना वो आके रहता है, गाड़ियाँ पानी में बह रही थी। हाँ, गाड़ियाँ, घर, दुकानें, सब कुछ, मतलब बहुत बुरा हाल है। आप लोग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो बस अब दुआ करें जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। और ईद हो और सवैयाँ ना बने ये भी हो सकता है भला। लास्ट टाइम मेरी सवैयाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, पर इस दफ़ा हमने कलरफुल सवैयाँ बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी, अभी तक मुँह में पानी आ रहा है। और यूनिवर्सिटी का प्यार देखें हमारे लिए कि उन्होंने हमारी ईद को एक्साइटेड बनाने के लिए एक पिकनिक भी अरेंज की थी, वो भी ईद के पहले दिन। और आज पेपर था मज़े की बात, और कल उन्होंने पिकनिक अरेंज की हुई थी, मतलब उनकी पूरी कोशिश थी कि बच्चे ना आए, बट हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे। अब आपको जो दिखाना था वरना शायद मैं ना भी जाता, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी म्यूज़िक था, खाना पीना था, गेम्स थी, सो चेक करना तो बनता है। मूवी देखने के लिए, और जर्मनी आने के बाद फर्स्ट टाइम हम सिनेमा में मूवी देखने जा रहे हैं, और फास्ट एंड, अब हम देखते रहेंगे क्योंकि हमने कार्ड बनवा लिया। हाँ, और फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी का नाम है और इंग्लिश में है क्योंकि भी हमारी जर्मन जो है वो इतनी टॉप क्लास की नहीं हुई,
और सो अभी हम फिलहाल इंग्लिश में ही देख रहे हैं और कैसी मूवी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हमने कहा कुछ तो स्पेशल करें कि ईद जो ईद लगे, बड़ी ईद का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता सीरियसली। तो मूवीज़ का शौक जो है, मैं पाकिस्तान में था, हम पाकिस्तान में काफ़ी अक्सर जो है सिनेमाज में जाया करते थे, लेकिन जहाँ जब आए तो हमने कहा शायद जहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में मूवीज़ जो है चलती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सिनेमा है सिनेमैक्स जो है, उसमें कुछ स्पेसिफिक शोज़ इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं, तो अगर आप वहाँ जाएँ और उनको बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको बता देंगे कौन से शो। बड़े शहरों में तो सब जगह पे ऑलमोस्ट होते होंगे इंग्लिश में, पर छोटे शहरों की बात करें मतलब मान लीजिए ओपन हाउस है ना यहाँ पे, ओपन हाउस हर सिटी में होता है, ओपन हाउस हर सिटी में, वहाँ पे जर्मन में चलता है। सो बाकी जो सिनेमैक्स वगैरह टाइप होते हैं वहाँ पे कभी कभी इंग्लिश में, मतलब वीक में दो दफा इंग्लिश में चल जाती है, बाकी जर्मन में। सो लेकिन हर कोई देख सकता है। और एक मूवी का टिकट जो है 6.599 यूरो, मतलब 6 यूरो, और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो 1000 यूरो का बनता है। पाकिस्तान में भी इतने का मिल जाए तो अच्छी टिकट लो, एक्सपेंसिव नहीं है, पड़ जाती है। सो आप लोग देख सकते मूवी, मतलब किसी देख ही सकते। 7:30 बजे की हमारी मूवी थी और लिटरली हम पूरे 7:30 बजे ही पहुंचे थे, और क्योंकि ये लास्ट शो था तो बिल्कुल आपको सुनसान सा नजर आ रहा होगा सिनेमा पूरा। तो यार गाइस मूवी काफ़ी अच्छी थी, और मूवी में जो है ना ऐसे अनरियलिस्टिक एक्शन से बचे गए थे, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करना चाहिए था, आ रहा है गाड़ी को उठा के ले गए, इतना था कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब हमें लग रही है बोझ। लेकिन आपने अगर बाकी पार्ट्स देखें तो आप जरूर देखें जाके, हाँ पैसे पूरे हो गए, मजा आएगा आपको, दोस्तों के साथ तो वैसे ही मजा आता है। सो अब लगी बहुत जरूर से भूख, और अभी अगर हम पाकिस्तान में होते हैं ना तो कहीं पे बारबेक्यू हो रहा होता, कहीं पे बिरयानी बन रही होती, कहीं पे दावतें होती। आप लोग घर में क्या क्या बन रहा है, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर हम भी कुछ कम नहीं, हमने भी अरेंज किया है कुछ, अभी हम जा रहे हैं दोस्त की तरफ और जाके देखते हैं हमारे पास जो अवेलेबल है उससे क्या बनता है, वो जाके देखते हैं। फायर अलार्म को पता चल गया था कि कुछ देसी खाना बन रहा है तो उसने बजना शुरू कर दिया। सो हमने बनाया था चिकन टिक्का मसाला, साथ खुब्स थे, ड्रिंक्स थी, और साथ जो था चप्पल कबाब, जाके पता चले कि बड़ी ईद है तो इसलिए हमने बीफ के कबाब बनाए थे, और साथ डेजर्ट भी था चॉकलेट मूस। सो वापस आ चुके हैं, ईद हमारी ऐसी गुजरी, वो कहते हैं ना मिक्स सी फीलिंग होती है, बंदा इमोशनल भी होता है घर वालों के बगैर ईद गुजारता है। मैंने लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी ईद उल फितर पे, अगर आपने नहीं देखी ऊपर मैं लिंक डालूंगा, आप जरूर जाकर देखें। और वैसे मेरी भी ट्रैवल सीरीज चल रही थी, अभी हम बर्लिन तक पहुंच गए थे आई गेस, पर मैंने कहा ईद है तो ईद का मौका, तो ईद की वीडियो तो बनती है, सब जानना चाहते हैं कि हम लोग ईद पे क्या करते हैं। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल व्हिच इज इमरान सी, एंड ऑफ कोर्स स्टे अवे फ्रॉम कोरोनावायरस एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। हम तो हो गए, बाय बाय।